हेलो एवरीवन, मैं हूँ विश्वा मोदी। मैं ज्वेलरी बिजनेस कोच हूँ और मैं एक मिशन पे हूँ। मिशन ये है कि मैं 10 लाख लेडीज़ को ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस सिखा के उन लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो फैब्रिक ईयरिंग के ऊपर है। मुझे फैब्रिक चॉकर, फैब्रिक ईयरिंग को लेके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रहती है कि आप बनाओ बनाओ। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है ईयरिंग का, बट मैं ये कुछ अलग और हैवी ईयरिंग बना रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगेगा और ज़्यादा वेराइटीज़ और डिज़ाइंस के आपको फैब्रिक ईयरिंग के वीडियोज़ देखने हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिए मोर फैब्रिक ईयरिंग, मोर फैब्रिक ईयरिंग आप सबको नीचे कमेंट में लिखना है। तो मैं और नई नई वैरायटीज़ के वीडियो लाती रहूँगी क्योंकि ईयरिंग्स में भी बहुत ही अलग अलग वैरायटीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये स्क्वायर मैंने कार्डबोर्ड कट किया हुआ है। तो ओके, सो यहाँ पे मैं पिंक कलर का ये फैब्रिक ले रही हूँ, कॉटन फैब्रिक। ओके, सो हमें जितना फैब्रिक चाहिए, मतलब ये कार्डबोर्ड जितना है उससे थोड़ी बड़ी साइज़ का हमें फैब्रिक लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर थोड़ा गैप रख के इतना मैंने कट किया है। अभी मैं क्या करूँगी, ये मैंने पहले क्या किया था, पहले के वीडियो में मैंने कुछ इस तरह से मैंने बना के फिर लगाया था। ठीक है, बट इस टाइम मैं कुछ अलग कर रही हूँ तो और फिनिशिंग के साथ हम बना पाए, इसीलिए मैं कुछ अलग से कर रही हूँ। मैं चारों कॉर्नर जो है वो कट कर रही हूँ इस तरह से, ताकि उसमें और ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग से मैं काम कर पाऊँ। तो मैं चारों कॉर्नर जो है वो इसी तरह से कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सीज़र भी चेंज कर दिया क्योंकि पहले वाली मेरी जो सीज़र थी वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही थी। तो अभी अच्छे से कट भी हो रहा है। सो आप जब भी ज्वेलरी बनाते हो ना, फैब्रिक ज्वेलरी, तो जो भी सीज़र या कुछ भी आप जो भी यूज़ कर रहे हो ना, वो अच्छी क्वालिटी का हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर बनने में टाइम जाता है और मज़ा भी नहीं आता इतना। तो चारों साइड मैंने कट करने के बाद मैं यहाँ पे ये फेविक्रिल का जो ग्लू आता है वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ, जो स्टोन्स और फैब्रिक के लिए ही यूज़ होता है। वो चारों साइड हम लोग इस तरह से ग्लू को लगा देंगे और इस तरह से फिक्स करेंगे। और ये करने के बाद ये थोड़ा एक्सेस पार्ट रह गया है तो उसको हम लोग कट कर देंगे सीजर की हेल्प से। तो मैं इसको कट कर रही हूँ, ये कट कर दिया। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बैक साइड भी अच्छा फिनिशिंग है और आगे भी अच्छा ही फिनिशिंग है। मैंने सेम वैसे ये बनाया है, बट ये मैंने पहले बनाया था क्योंकि तो ये सूख गया है, ये थोड़ा गीला है अभी। तो अभी ये गीला है तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने ऑलरेडी इससे छोटी साइज़ का थोड़ा फैब्रिक कट किया है ताकि मैं यहाँ पे बैक साइड पे लगा सकूँ। तो इसके लिए हम लोग ईयरिंग के लिए हम लोग ये स्टड जो आता है रेडीमेड वो ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इस तरह से हमें लगा देना है तो ये इस तरह से फिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर में मुझे एक आई पिन भी लगानी है तो मैं डायरेक्ट आई पिन यहाँ पे फिक्स करूँगी। ये भी मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करके ही करूँगी। ऐसा नहीं होता कि आप ग्लू गन का ही यूज़ करके स्टिक कर सकते हो, इससे भी अच्छा स्टिक होता है।
तो ये मैं कुछ इस तरह से रख रही हूँ, ठीक है। अभी अभी हम यहाँ पे ये इस तरह से लगा देंगे और इसको प्रेस कर देंगे हल्के हाथों से, और ये फेविक्रिल का ग्लू यूज़ करने के बाद यहाँ पे ये वाइट डॉट है वो भी चला जाएगा, क्योंकि ये सूखने के बाद दिखता नहीं है इतना। तो ये मैं सीधा कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये सेम मैंने सेम वैसे ये भी सेम ही बनाया है, बस ये सिर्फ गीला है इसीलिए यहाँ पे इस तरह से वाइट दिख रहा है। और ये भी मैंने स्टिक किया सेम वैसे, तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल भी आईपिन हिल नहीं रही है, ये भी बिल्कुल नहीं हिल रहा है। तो सेम वैसे मैंने बनाया है, तो मैं इसको अभी साइड में रख देती हूँ क्योंकि वो सूखने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए उसे। तो मैं अभी इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या प्रोसेस करने वाली हूँ। तो ये आई पिन मैंने इसलिए यहाँ पे लगाई है क्योंकि यहाँ पे मैं हैंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं ये मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड कुंदन जो आते हैं वो ये पेंडेंट मेरे पास पड़े हुए थे, तो यहाँ पे मैंने नीचे ये लोरियल लगा दिए हैं और ऊपर की ओर मैं ये जो कुंदन आता है वो वाला लगाने वाली हूँ। तो पहले हम लोग इसमें भी लोरियल लगा देते हैं। तो ये जो मैं लोरियल आपको दिखा रही हूँ वो सेम टाइप से ही यहाँ पे कड़ी से मैंने अटैच किए हुए हैं लोरियल हैं। तो यहाँ पे मैं एक कड़ी में 7 लोरियल भरूंगी। अभी सेम हम लोग दूसरे दो में भी भर देंगे। और जब भी आप कड़ी बंद करो तब आप ध्यान रखो क्योंकि बिल्कुल भी खुला नहीं रहना चाहिए। मैं हर बार मोस्टली ये लोरियल लगाते टाइम बोलती ही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो निकल भी जाता है। सो आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोरियल जब भी डाल रहे हो कड़ी में जंप रिंग में तब वो जंप रिंग प्रॉपरली फिट होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और जो भी आप ज्वेलरी बना रहे हो ना प्रॉपर ध्यान रख के बनाइए, ऐसा नहीं है कि आप ज्वेलरी सेल करने के लिए बना रहे हो या बना रहे हो तो ऐसे ही विदाउट फिनिशिंग या ऐसे ही बना दो। आप जब भी बनाते हो तो प्रॉपर फिनिशिंग आए वैसा ही काम करिए। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे लोरियल भर दी है, सेम वैसे मैंने यहाँ पे भी वैसे ही लोरियल भरी हुई है। तो ये मैं यहाँ पे स्टिक करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नीचे का ये अटैच करके दिखाती हूँ। मैंने ये जो आई पिन है वो इस तरह से रखी है क्योंकि यहाँ पे होल है। तो अभी मैं ये आई पिन जो है उसको थोड़ा खोलूँगी और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है वहाँ पे हम लोग इसको लगाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। अभी ये जो आई पिन है उसको हम बंद करेंगे। तो ये बंद हो गया और प्रॉपरली इसको भी फिट करिए। तो ये देखिए ये थोड़ा डैंगल जैसा हो गया, मतलब थोड़ा हिल भी रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये भी लगाने के बाद अभी यहाँ पे आप ऐसे भी रख सकते हो या तो ऐसा भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है टोटली। तो मैं यहाँ पे ये इस तरह से लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर में मैं एक छोटा सा ही ड्रॉप कर रही हूँ और ये जो है उसको इस तरह से हम स्टिक करेंगे, इस तरह से स्टिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी, और ये आप मैरिज के फंक्शन में या हैवी कोई फंक्शन ऐसा कुछ है फेस्टिवल है वहाँ पे भी आप कैरी कर सकते हो। ये मैंने आपको अभी एक इयरिंग रेडी करके दिखाई, सेम वैसे आपको दूसरी इयरिंग बनानी है।
तो आई होप आपको ये वाली ईयरिंग कैसे बनती है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपके पास कोई भी हैवी कुंदन है उसे आप फैब्रिक ईयरिंग में कन्वर्ट करिए, फ्यूजन ज्वेलरी बनेगी और बहुत ही प्रीटी प्यारी ज्वेलरी बनेगी। डेफिनेटली मैं ये आने वाले मैरिज फंक्शन में पहनने वाली हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।